छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बेमेतरा के तहसील कार्यालय जस्थम चौक में एकजुट होकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल किया। उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को शासन के समक्ष रखा। जो सर लोग हैं, वाहन चालक लोग हैं, हम लोग सब एक कैडर संग्रहित होके अपनी विभिन्न 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम स्टाफ नर्सेस हैं। हमने 2018 में 18 दिन तक रायपुर ईदगाह फाटा में भी हमने कंटिन्यू हड़ताल किया था। उस समय भी हमें जेल ले गए, एस्मा लगा दिए, बहुत कार्रवाई किए। उस समय हमें सरकार ने आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करने के लिए कहा था कि हम 45 दिन के अंदर आप लोगों की मांगे पूरी कर देंगे करके। अब 45 दिन क्या सर, अभी तो 2018 से लेकर 2023 आ गया, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। तो इस बार हम सभी संघ मिलके, सारे संघ मिलके छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन बनाए हैं, उसके अंडर में हम लोग अपनी अपनी मांगों को रखे हैं। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं। सर्वप्रथम मांगे हम लोग की वेतन विसंगति है, हमारी वेतन विसंगति दूर किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, कोविड के समय हमारे स्टाफ भाई बहनों ने सब ने बहुत ड्यूटी की है, ठीक है। उस समय कितने हमारे कोरोना वारियर नाम दिया गया था, उस समय हमारे कितने कोरोना वारियर लोग शहीद भी हुए थे, और आश्वासन दिया गया था कि कोविड इंसेंटिव दिया जाएगा, कोविड खर्चा दिया जाएगा, वो भी आज तक नहीं दिया गया है। हमारी तीसरी मांगे हैं कि हमें 24 घंटे ड्यूटी कराया जाता है, बाकी जगह तो ऑफिस 5 डेज तक रहता है, सैटरडे संडे को बंद रहता है, पर हमारे स्वास्थ्य विभाग में ऐसा है कि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ऑन कॉल ड्यूटी करते हैं, एनी टाइम ड्यूटी करवाया जाता है। तो हमारी मांग है कि हमें अतिरिक्त भत्ता, एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। और हमारी मांग है कि हमारे यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, सभी जगह स्टाफ की कमी है। एक एक स्टाफ को बहुत सारा प्रभार दिया जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर दबाव इतना है कि हम लोग अपने फैमिली का ध्यान नहीं दे पाते हैं। कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ की कमी की वजह से इतने पेशेंट रहते हैं। हमारे जिला अस्पताल में भी एक एक स्टाफ 40-50 पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। इमरजेंसी में एक स्टाफ पूरे दिन रात इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में भी रोज़ ऑपरेशन हो रहा है, नसबंदी हो रहा है, सीजर हो रहा है, आर्थो का ऑपरेशन हो रहा है। उसमें हम लोग इतने कम स्टाफ हैं कि हमें 24 घंटे ड्यूटी कराया जाता है। और हमारी पाँचवीं मांगे हैं, मांग है कि ये जो भी हिंसात्मक घटनाएँ होती हैं हमारे साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कभी भी कोई भी अभद्र व्यवहार करता है, कोई भी आके गाली गलौज करता है, कोई भी हिंसात्मक घटनाएँ होती हैं, उसके लिए हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो ये सब हमारी कोरोना काल में हमारे जो कर्मचारी हैं, हेल्थ फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं, नियमित रूप से निरंतर रात दिन एक करके काम किए हैं, और शासन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि आपको कोरोना भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज पर्यंत तक हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक नया पैसा कोरोना भत्ता के रूप में नहीं दिया गया है। जो आज हम इस धरना के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से शासन से इस कोरोना भत्ता का मांग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ कि मिलने वाला है, अभी तक मिला ही नहीं है, ना ही आदेश किए हैं, और हम इस कोरोना भत्ता को लेने के लिए इस मंच पर आए हुए हैं।